नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। लखनऊ में सपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, आज हम सब मिलकर अपना दल के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उनको याद करने आए हैं। अखिलेश यादव ने पंकज निरंजन को धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने जातीय जनगणना का जो सवाल उठाया है वो सबसे अहम सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम जाति के आधार पर जनगणना की मांग करें तो ये कहेंगे कि हम जातिवादी लोग। उन्होंने विपक्षी सरकार बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लिए झूठ फैलाना बेहद आसान है। पीडीए की आबादी क्या है, समाजवादी सरकार में छापा जाता था कि पीडीए की आबादी आखिर कितनी है। बीजेपी के लोग बताएं कि पीडीए किस हाल में है, आंकड़े बता रहे हैं कि पीडीए के सामने ये कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में औद्योगिक रेट कम है, इसका मतलब कारखाने चल नहीं रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी की ग्रोथ रेट भी कम है, इससे पता चलता है कि सरकार काम नहीं कर रही है और जो मिल गया है उसे एमओयू करवा लिया है। बीजेपी ने जिसको भी टाई सूट पहने देखा उससे एमओयू करवा लिए हैं। यहाँ तक कि विदेश के मंत्रियों की टीम ने भी एमओयू करवा लिया है। अब मंत्री एमओयू करवाने वाले पूरी जगह घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 4 बजे जागते थे उनका योग देखा, अगर योग ही करना था तो अनुलोम विलोम करवा कर ही काम चला लेते। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी पत्रकार को ईमानदार पत्रकार बोल दिया तो भी आपकी लड़ाई हो जाएगी। लखनऊ से देखिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कौन रोजगारी के नाम पर जो धोखा दिया है उन्होंने नौजवानों को, आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, घर खाने नहीं लगे और जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई का आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है, मुनाफा महंगाई की वजह से किसकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जेब भरी जा रही है। और अब तो वो आंकड़े भी बाहर आ रहे हैं कि उधार लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं और वही लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे। जब कभी भी कोई भी आकलन करेगा नोटबंदी और 2000 रुपए की बंदी सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास कई ऐसे लोग हैं जिनसे समय समय पर वो बात कहती है। बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते? नीचे ही है, नीचे। उनको नेताओं को अपने आंकड़े दिखाने चाहिए, आंकड़े बताने चाहिए कि आंकड़े क्या है, अपॉइंटमेंट्स किनका हो रहा है, नौकरी किनको मिल रही है। अभी मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी में 6 लाख नौकरियां हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख बढ़ाए। बताओ इसमें पीडीए कितना है, क्या इसका जवाब है उनके पास?